मैं संतोष कुमार मास्टर, आज आपकी टेक्नो प्लस स्टडी चैनल पर फिर एक बार स्वागत करते हैं। आज हम आपके लिए केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो आपका पहला अध्याय है। पहले अध्याय के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनका हम आज वीडियो लेकर आए हैं, और देंगे उसका हल भी देंगे, उसका क्वेश्चंस भी देंगे पहले अध्याय का, और इसी तरह दूसरे अध्याय का, इसी तरह क्रम वाइज अध्याय का, सारे अध्याय को हम कवर कर लेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद परीक्षा जैसे ही नज़दीक आती है, सारे कलेक्शन करके एक ही वीडियो बनाएंगे जिसमें हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल देंगे पूरे लगभग। तो अभी एक एक पार्ट के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिससे कि आपको सारे पार्ट कवर हो जाएं। तो आज का वीडियो है पहले पार्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके हम वीडियो चल रहे देंगे, और आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। अगर वीडियो को अच्छा लगे हो तो लाइक कर दीजिएगा। आइए पहले तो दोस्तों, ये है आपका सबसे पहला क्वेश्चन, क्या होता है जब लाल रक्त कणिकाएं या लाल रक्त कणिकाओं को हम NaCl के साथ, पहले 1% NaCl विलयन के साथ, और उसके बाद 0.5% NaCl विलयन में डालिए, यानी 1% और आधा परसेंट विलयन में डाली जाती है, तो लाल रक्त कणिकाएं क्या होती हैं। अगर उसको 1% में डाला जाए, लाल रक्त कणिकाएं सिकुड़ जाएंगी और प्लाज्मोलाइसिस कहलाती हैं। ललित कणिकाओं को अगर 1% NaCl विलयन में अगर डाला जाएगा तो ललित सिकुड़ जाएंगी, लेकिन अगर वही आधा परसेंट विलयन में, यानी 0.5% में आपको अगर डाला जाता है उस विलयन में, तो ललित कणिकाओं का आकार बढ़ जाता है, ठीक है, बढ़ जाएगा और फट जाती हैं। अब किस लिए होता है, ये कारण दिया गया है, इसका उत्तर आपको दिया गया है। उसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन इधर है, आप जैसा कि देख सकते हैं, ये है आपका दूसरा क्वेश्चन। साठ की तथा फ्रैंकलिन 200 का क्रिस्टल की विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये क्वेश्चन है। इसका उत्तर आपका यहाँ पर है कि साठ की तथा फ्रैंकलिन 200 का, तो ये उत्तर आपका दिया गया है। उत्तर आप पॉज करके वीडियो को लिख सकते हैं, नहीं तो कहेंगे तो कमेंट करेंगे तो आपको हम PDF लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। तो अभी PDF तैयार नहीं है, फिर भी PDF तैयार है, बस आपको उसका लिंक तैयार करना है, तो आप कहेंगे तब तैयार कर देंगे, नहीं तो अगर आप वैसे ही लिख लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप वैसे ही लिख सकते हैं, लिख लीजिएगा। इसका आंसर है, टोटल इसका आंसर है, आप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रख सकते हैं। उसके बाद आपका इस तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन आपका ये है इधर कि प्रतिलोह चुंबकीय और फेरी चुंबकीय पदार्थों में क्या अंतर है, इन अंतरों का क्या कारण है। अब इसको आपको देखना है, उसके बाद इसका आंसर यहाँ पर आपको लिखा गया है, टोटल इस आंसर को आप लिख सकते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि क्या सभी धातु निविड़ संकुचन वो सॉरी संकुलन संरचना दर्शाते हैं। भिन्न भिन्न संरचनाओं के नाम तथा उनकी संकुलन क्षमता ज्ञात करना है, यानी लिखना है। तो आपको बहुत छोटा सा आंसर है, आपका अति लघु उत्तरी प्रश्न में आपका आएगा, तो अति लघु उत्तरी प्रश्न में आपको ये लिख सकते हैं, अति लघु उत्तरी प्रश्न में। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि क्या कारण है कि गर्म करने पर धातु की चालकता घटती है जबकि अर्चालोकी की बढ़ती है, इसका वर्णन करना है। इसको आप याद कर लीजिएगा लिख करके, तो इसका आंसर ये है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि ठोस किसे कहते हैं, ठोस के गुणधर्मों का वर्णन कीजिए तथा क्रिस्टली तथा क्रिस्टली ठोस की व्याख्या करना, ये आपका इम्पोर्टेंट है, आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ये ठोस किसे कहते हैं पहले पाठ में आपका ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अब इसके उत्तर को आप ध्यान में रखिएगा। उत्तर आपको जैसा कि यहाँ दिख रहा है, उत्तर भी आपका दे दिया गया है, उत्तर आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा। इसका गुणधर्म भी दिया गया है, यहाँ पर आपका इतना गुणधर्म दिया गया है, और क्रिस्टली तथा क्रिस्टली के यहाँ नीचे परिभाषा दी गई है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, तो आप क्रिस्टली तथा क्रिस्टली परिभाषा आप देख सकते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि क्या होता है जब कोशिकाओं को जल में रखा जाता है, क्या होता है जब कोशिकाओं को जल के साथ रखा जाएगा, तो आपका जल के साथ जब रखा जाएगा रक्त कोशिकाओं को प्रसरण के कारण, तो रक्त क्या होगा अंदर चले जाते हैं और प्रसरण रक्त कोशिका द्वारा आपका बढ़ जाएगा और फट जाएगा, तो आपका। उसके बाद अगला क्वेश्चन है ये अणुसंघ गुणधर्म क्या है, उदाहरण सही दीजिए, तो अणुसंघ गुणधर्म क्या है, आपका यहाँ पर आंसर दिया गया है, टोटल आप आंसर पढ़ सकते हैं, पॉज करके वीडियो लिख सकते हैं, लिख लीजिए सारी चीज़ें, आप कलम का नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आप पहले पार्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनको रख लीजिएगा, ठीक है।
उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, आप आराम से देख लीजिएगा। ये आपका एक सवाल है, इस सवाल को आप नोट कर लीजिएगा। ये देखिए, ये आपका सवाल है, ये इस सवाल को आप खसका के पढ़ देते हैं। 2 लीटर जल में 25 सेंटीग्रेड पर K2SO4 के 25 mg को घोलने पर बनने वाले विलयन का परासरण दाब यह मानते हुए ज्ञात कीजिए K2SO4 पूर्णतः विभाजित हो गई है। तो आपको इसको क्वेश्चन में आपका हल किया गया है कि K2SO4 की अभिक्रिया करें 2KN तो प्लस अभिक्रिया हो गई है, तो K2SO4 मोल संख्या होती है जो है आपका दी गई 25 सेंटीग्रेड। उसके बाद आपको उसके मोलों की संख्या के हिसाब से, सूत्र के हिसाब से आपको काटना है। और यहाँ पर असर दाब है जो N/PRT होता है, इसको आपको टेम्परेचर 25 के जोड़ दिया जाएगा 2K में, तो आपका टोटल इतना हो जाएगा जो यहाँ पर दिया गया है। ये सवाल आप हल से कर सकते हैं। उसके बाद आपका अगला बहुत लंबा वीडियो जाएगा अगर हम सॉल्व करेंगे, तो आप केवल इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे देते हैं। राहुल के नियम से धनात्मक और ऋणात्मक विचलन का क्या अर्थ है तथा डेल्टा एच मिश्रण के लिए चिन्ह का इनका विचलन से कैसे संबंध है। राहुल का नियम आपको एक बार पढ़ लेना है, इसको आपको राहुल का नियम ये चीज़ पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। अगला है हेनरी का नियम तथा इसकी महत्वपूर्ण अनुप्रयोग लिखिए। हेनरी के नियम को आपको लिखना है, हेनरी का नियम आपको लिखना है, हेनरी के नियम को आप लिख दीजिएगा। उसके बाद आपका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका सवाल है, आप नोट कर लीजिए, 2 सवाल है आपका। दोनों सवाल आप नोट कर लीजिएगा। आपको ये 2 क्वेश्चन दिया गया है, दोनों क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर जो एल्यूमिनियम घनी निपीड संकुलित संरचना में क्रिस्टलित होती है तथा इसका धातिका व्यास 125 PM। इसमें 2 क्वेश्चन किए गए हैं कि एक कोश के कोर की लंबाई ज्ञात कीजिए और 1.0 सेंटीमीटर क्यूब का एल्यूमिनियम कितनी एकड़ कोष्ठिकाएं होंगी। मतलब 2 क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें आपको ये सवाल लगी है, सवाल को आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे सवाल है, देख लीजिए। यदि NaCl को SrCl2 के टेन पावर -3 की मोल से डोपित किया जाए तो धनायनों की रीतियों का सांद्रण क्या होगा, इसको आपको ज्ञात करना है। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, जो इसको और ऊपर जो था ये वाला, इसको हल करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी जल्दी, नहीं वीडियो लंबा हो जाएगा। जब एस्पिरिन को, ये 2 क्वेश्चन दिया गया है, इधर ध्यान रखिएगा, दोनों क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा। एक क्वेश्चन यहाँ पर है ये, और एक क्वेश्चन यहाँ पर है ये दोनों आपका सवाल है। दोनों क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक लगा लीजिएगा, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। आपको सूत्र सहित लगा हुआ है यहाँ पर, कैसे कैसे क्या कटा है सारी चीज़ें दी गई हैं, और बहुत आसान है, कोई कठिन नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है ये, इसको हम खसका कर दिखा देते हैं कि 300 K पर जल का वाष्प दाब 12.3 KPa है तथा इसमें बने वाष्पशील विलेय के 1 मोल विलयन का वाष्प दाब ज्ञात करें। इसमें वाष्प दाब ज्ञात करना है, जो सवाल है आपकी सवाल लगी हुई है, इसको आप ज्ञात कर लीजिएगा। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ये भी सवाल है कि विलायक के समान क्वथनांक पर एक अवशील विलेय का 2% जली विलयन का 1.004 bar वाष्प दाब है, विलयन का विलेय का मोलर द्रव्यमान क्या होगा। ये भी सवाल है आपका यहाँ पर लगी हुई है टोटल, ये चीज़ जैसे कि देख रहे हैं, ये चीज़ पूरा आप हल कर लीजिएगा यहाँ पर। और उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 185,000 मोलर द्रव्यमान वाले एक बहुलक को 1.0 g को निग्राम को 37 सेंटीग्रेड पर 450 ml जल में घोलने से उत्पन्न विलेय के परासर दाब का पास्कल में परिकलन कीजिए। तो ये भी सवाल है, आपको हल करके देख लेना है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इसका। यदि ये किसी झील के जल का घनत्व इतना है और इसमें से इतना Na आयन प्रति किलो जल में उपस्थित है तो झील का ये मोललता ज्ञात करना। मोललता वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोललता मोलरता और नॉर्मलता, ये सारी चीज़ें आप निकाल, सांद्रता मोलरता मोललता और नॉर्मलता और सांद्रता के क्वेश्चन आप ध्यान में रख लीजिएगा क्योंकि बहुत आते हैं आपको। एक मोललता हो गया, एक मोलरता हो गया और सांद्रता हो गया, सारे क्वेश्चन आप ध्यान में रख लीजिए, ठोस अवस्था में बहुत ही है। और आपको एक क्वेश्चन जो बताए कि
आपको हेनरी वाला देख लेना है, और उसके बाद राउल्ट का नियम देख लेना है, ये सारा ठोस में देख ले है। उसके बाद ठोस में आपका ठोस के प्रकार देख लीजिएगा, और क्रिस्टली तथा क्रिस्टली देख लीजिएगा, ये सारी चीज़ देख लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी लिस्ट भी हम पीडीएफ दे देंगे, बस आपको एक बार रिक्वेस्ट डालना है, कमेंट डालना है, दे देंगे। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अगला वीडियो फिर लेकर मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी मित्रों में, सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप और फेसबुक जहाँ जाकर शेयर कर दीजिए, जिससे कि आप हमारी भी हेल्प कर सकें, और अपने भी और अपने मित्रों को भी, अपने रिलेशन भी जो भी है सबको हेल्प कीजिए। और अगर इसी तरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। नए हैं और पुराने हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम अगला नेक्स्ट अध्याय का, दूसरे अध्याय का और फिजिक्स का भी लेकर आएंगे, मैथ का भी लेकर, सारी चीज़ें लेकर आएंगे, बहुत जल्दी जल्दी कवर करेंगे। सारे वीडियो कब आ रहे हैं, और साथ ही साथ मोबाइल टेक्नोलॉजी वीडियो भी चाहिए, प्ले लिस्ट जाके चेक कीजिए, आपको बहुत सारी वीडियोज मिल जाएंगी। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट कर दीजिएगा, लाइक या डिसलाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, तो वीडियो को यहीं पर करते हैं, और अगली वीडियो जस्ट आएगी। नमस्कार, जय हिंद एंड वंदे मातरम।